कि खर्च अपरिवर्तित रहे। पहले क्वेश्चन को समझो आप, देखिए क्या हो रहा है, 20% चीनी का मूल्य बढ़ गया है। मतलब इसको ऐसे समझिए कि आज अगर 100 रुपये किलो शक्कर है और आपके घर में 1000 रुपये की शक्कर आती है, मतलब 100 रुपये से आप भाग देंगे 1000 में 10 किलो शक्कर आएगी, ठीक है। अब कीमत कितनी हो गई है, 120 रुपये हो गई है। तो आपके घर वालों ने बोला है कि भाई हम चीनी का उपयोग कम करेंगे पर लाएंगे उतनी ही शक्कर, तो वो फिर से 1000 रुपये की शक्कर लेके आए, तो इस बार शक्कर 1000 रुपये में कुछ कम आएगी ना, तो कितने प्रतिशत कम आई वो आपसे पूछा गया है। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ इसकी, तो इसकी ट्रिक लिख लीजिए सभी लोग। इसकी ट्रिक होती है आर अपॉन 100 + R × 100। जब कीमतें बढ़ जाए तो आप ये ट्रिक लगा दीजिए R अपॉन 100 + R × 100, और जब कीमतें घट जाएं, कभी कभी ऐसा होगा कि आपको क्वेश्चन घटने का भी आएगा, तो वहाँ लगा दीजिए R अपॉन 100 - R × 100, ठीक है। जब कीमतें घट जाएं, घटने का मतलब होता है माइनस, तो याद रखिए माइनस घटने पे आएगा और प्लस बढ़ने पे आएगा। यहाँ लिख भी देता हूँ मैं, जब प्राइस इंक्रीज हो जाए, जब प्राइस डिक्रीज हो जाए, तो इंक्रीज पे ये और डिक्रीज पे ये, तो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है तो आर की वैल्यू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आर की वैल्यू हमारे लिए है 20%, तो आर की वैल्यू 20 हो गई, इस वैल्यू रख दीजिए, तो 20 अपॉन 120 × क्या हो जाएगा 100, ये 120 हो जाएगा, 0 से 0 कटा, 1/6 × 100, और इसकी वैल्यू जो होगी वो 16.66% होगी। हमने क्या किया, 6 से 100 में भाग दिया, आप भाग दे के देखना क्या रिजल्ट आएगा, 16.66% आएगा। तो यहाँ पे 16.66 इसका एग्जैक्ट आंसर है, यहाँ पे ऑप्शन 16% था तो आप वो लगा दीजिए, एग्जैक्ट आंसर आएगा 16.66%। अगर इसी क्वेश्चन में बोला होता कि 20% मूल्य घट जाए तो फिर कितनी बढ़ा देना चाहिए, उसका उपभोग कितना बढ़ा देना चाहिए, तो हम इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू रख देते। देखिए क्या करते उस केस में, हम क्या करते, हम यहाँ पे वैल्यू रख देते, आर की वैल्यू रखते 20, और यहाँ कर देते हम 100 - R, मतलब ये कितना हो जाता 80 × क्या आ जाता 100, तो ये आ जाता 4, और यहाँ पे 4 से आप इसे डिवाइड करते तो ये कितना आ जाता 25%। मतलब आप 25% क्या कर देते, चीनी का उपभोग बढ़ा देते। तो दोनों तरीके के से क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया, दो ट्रिक और मैंने आपको दे दी, दो शुरुआत में दी, दो अभी दे दी, 4 ट्रिक आज के लेक्चर में हो गई हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके बस बेस पे क्वेश्चन का सॉल्व होगा। एक कपड़े का टुकड़ा 2 मीटर लंबा है और वह धोने पे 0.5% श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है, तो धोने के बाद उस कपड़े की लंबाई कितनी होगी। एग्जैक्ट क्वेश्चन ये था, यहाँ लिखा नहीं है, एक बार धोने के बाद कपड़े की लंबाई कितनी होगी, मतलब एक ही बार धोया गया है उसको क्लियर कर दिया है उन्होंने, तो यहाँ पे 2 मीटर को आप 200 मीटर बना लीजिए बस, ठीक है, 200 सेंटीमीटर बना लीजिए। 2 मीटर को आप क्या लिख लीजिए, 200 सेंटीमीटर लिख लीजिए। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमको बड़ा बेस चाहिए सॉल्व करने के लिए। देखो 2 मीटर दे दिया, ये एंट्री वाला क्वेश्चन है, एंट्री पे आपको एक वैल्यू दे दी, वो आगे मैं सब चीज़ें सिखाऊंगा जो मैंने आपको पीछे थ्योरी बताया, सारे क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा कहाँ कौन सा क्वेश्चन लग रहा है, आप बस ध्यान से समझते रहिए। तो अब हम किस पे काम करेंगे, 200 सेंटीमीटर पे, तो 200 सेंटीमीटर का क्या निकालेंगे, 0.5%, तो 0.5 अपॉन क्या कर देंगे आप 100% हटाएंगे, एक जीरो नीचे आ जाएगा, 200 से काटेंगे 5 बार कट जाएगा, 5 से काटेंगे 5 बार, रिजल्ट कितना आ जाएगा 1। तो आप क्या मतलब 1 सेंटीमीटर, रिजल्ट भी काय में आएगा सेंटीमीटर में, मतलब कपड़ा धुलने के बाद 1 सेंटीमीटर श्रिंक हो गया, सुकड़ गया, तो नई लंबाई क्या होगी, न्यू लेंथ, अगर हम न्यू लेंथ की बात करें तो वो होगा 200 cm - 1 = 199 cm, और अगर इसे मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग दे दीजिए तो 1.99 मीटर, इन दोनों में से कुछ भी आंसर हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ लिखा है 199 cm, तो हमारा आंसर आ गया 199 cm। क्लियर हुई ये बात, क्योंकि 1 मीटर में 100 cm होते हैं, हमने 100 से गुणा करके 2 मीटर को 200 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वृत्त की त्रिज्या में
तीन। अब यहाँ पे मैं फिर आपको दो ट्रिक नहीं बताना पड़ेंगे मुझे, ठीक है। क्वेश्चन को देखिए, एक वृत्त की त्रिज्या में 3% की वृद्धि की जाती है, इसके क्षेत्रफल पे प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को अभी मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि इसके लिए मुझे एक ट्रिक बतानी पड़ेगी जो यहाँ आपको अभी समझ में नहीं आएगी। अभी हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको बाद में कवर अप करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। किसी परीक्षा में 40% छात्र अंग्रेजी में, शेष का, यहाँ पे शेष वर्ड आ गया है। देखिए यहाँ पे भी मैं आपको एक चीज़ अब आपको आगे समझाऊंगा, उसको बहुत ध्यान से समझिएगा किस तरीके से बेस बार बार बदलते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में शेष वर्ड आ जाता है तो उसका क्या मतलब होता है, ये कुछ एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ और उसके बाद इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए अब मैंने आपको शुरुआत में एक एग्जांपल बताया था कि एक व्यक्ति अपनी आमदनी का इतने प्रतिशत इस पर खर्च करता है, इतने प्रतिशत उस पर खर्च करता है। उसकी जगह मैं अगर आपसे बोलता कि एक व्यक्ति अपनी आमदनी का, एक व्यक्ति की आमदनी में ले लेता हूँ कि 100 रुपये, क्या है 100 रुपये, ठीक है, और वो अपनी आमदनी का 10% भोजन पर खर्च करता है। किस पर खर्च करता है? भोजन पर। फिर शेष का 10% वो शिक्षा पे खर्च करता है, ठीक है। फिर बोलता हूँ मैं कि शेष या मैं आपको आमदनी नहीं देता हूँ, है ना, मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ कि शेष का 10% वो कपड़ों पे खर्च करता है और अंत में शेष 729000 बचत करता है, बचत करता है। ये एक नया क्वेश्चन मैंने आपके सामने बना दिया, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी देर में आएंगे। यहाँ पर देखिए तो आपसे पूछ रहे हैं कि तो उसकी आमदनी ज्ञात कीजिए, आमदनी क्या है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि आमदनी क्या है, मतलब ये रिवर्स जाएगा, बैकवर्ड ट्रैकिंग का क्वेश्चन है। आपको आखिरी में एक वैल्यू दी है शेष की और क्वेश्चन में बार बार बेस चेंज हो रहा है, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए। क्या करेंगे हम सबसे पहले मानेंगे कि उसकी आमदनी हमने मान ली कि उसकी आमदनी क्या है, 1000 रुपये है। अब आप बोलेंगे कि सर आपने 100 से 1000 क्यों मान लिया, तो थोड़ी सी इज्जत हमको इसकी करना पड़ेगी जो यहाँ पे दिया है। 729000 एक बड़ी वैल्यू दी है उसकी बचत की, तो हम इसके रिस्पेक्ट में 100 रुपये मानेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, और पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए वक्त के हिसाब से या तो 100 मानिए या 1000 मानिए, मैं अभी 1000 मान रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। हमने माना कि, यहाँ क्या लिखेंगे हम, माना कि उसकी आमदनी कितनी है, 1000 रुपये, तो 1000 रुपये का आप क्या निकालेंगे, 10%, तो 1000 का 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 रुपये, ये क्या हो गए, खर्च। अब ये व्यक्ति क्या करेगा, अपने पास देखेगा जेब में कितने पैसे बचे हैं, उसको हम बोलेंगे शेष, तो शेष कितने रह गए उसके पास, 900 रुपये। अब ये 900 रुपये का फिर से 10% खर्च करेगा, बोला ना उसने शेष का 10% खर्च करता है, किस पे खर्च कर रहा है वो पता नहीं, है ना, वो अभी बाद में देखेंगे, वो सब काम का नहीं है। 10% भोजन पे किया, शेष का 10% शिक्षा पे, शेष का 10% कपड़ों पे, मतलब दो बार उसने शेष पे खर्च किया है। वो कैसे निकलता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो 900 का 10% कितना हो गया, 90 रुपये, ये उसने खर्च कर दिए अगली बार। अब देखेंगे हम कि शेष कितना बचा, तो शेष बचेगा भाई 810 रुपये। 810 कहाँ से आया, 90 में से, ये 900 में से 90 हमने माइनस कर दिए, कितना बचा, 810। अब 810 का फिर से वो 10% खर्च करेगा तो कितना रुपया खर्च होगा, 81 रुपये खर्च हो जाएगा। अब 81 रुपये खर्च होने के बाद अब शेष कितना बचेगा वो हम देखेंगे, तो शेष बचेगा 729 रुपया। कितना रुपया शेष बचेगा, आप 880 में से 810 में से 81 रुपये घटाएंगे तो 729 रुपये आएगा, ये उसका फाइनल बचत होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे कितनी बार बेस चेंज हुआ। देखिए सबसे पहले आपका बेस क्या था, 1000 रुपये था फर्स्ट, फिर शेष के बाद फिर से आपका बेस चेंज हुआ, वो कितना हो गया, 900, फिर से आप शेष निकालने के बाद फिर से आपका बेस चेंज हुआ, फिर कितना हो गया, 810, फिर से आपका बेस चेंज हुआ और अब कितना हो गया, 729। तो जब शेष वर्ड लग जाता है तो बेस जिस पे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, परसेंट निकाल रहे हैं, वो बार बार चेंज होता जाता है। एक और आदमी है, वो अभी शुरू में हमने देखा था, वो एक अपनी आमदनी का 10% इस पर खर्च करता था, 20% उस पर खर्च करता था, 30%
10% इस पर खर्च करता था, तो हमने उसका बेस उसकी आमदनी को मान रखा था, क्योंकि वो अपनी आमदनी को दिमाग में रखता था कि मेरी 10,000 आमदनी है, मैं 10% इस पर खर्च करूंगा, 20% इस पर खर्च करूंगा। ये आदमी उससे अलग है, ये क्या देख रहा है कि एक बार खर्च करने के बाद मेरे पास कितने पैसे बचे हैं, जितने बचे हैं उसका 10% मैं इस पर करूंगा, 20% मैं इस पर करूंगा, ये इस तरीके से खर्चा करता है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या कंपैरिजन करेंगे, अब यहाँ पे हम कंपैरिजन अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते तो हम क्या करते, वो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ यहाँ पे, फिर एक नई चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सीखिएगा। अब हम देखेंगे कि एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट क्वेश्चन का क्या था। तो देखिए एंड पॉइंट इस क्वेश्चन का क्या था कि उसकी आमदनी, उसकी जो बचत है वो कितनी दी है, 729,000 रुपए दिए हैं, और उसकी आमदनी आपसे पूछी है, और आपने, अब मैं यहीं लिख लेता हूँ कि हमारी कितनी आई थी, हमारी आमदनी हमने क्या मानी थी, हमारी आमदनी हमने मानी थी इधर कितनी, 1,000, और हमारी बचत कितनी आई थी, 729 रुपये आई थी, ये हमने यहाँ पे सॉल्व करके निकाला है। ठीक है, अब इसको मैंने पीछे लिख लिया ताकि आपको एकदम सही साठ चीज़ें समझ में आ जाए। अब मैं यहाँ पे आपको इसको सॉल्व करके बताता हूँ कि हम इसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे हमारी वैल्यू, यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन की वैल्यू, ठीक है, यहाँ लिखेंगे स्टार्ट पॉइंट और यहाँ लिखेंगे एंड पॉइंट। तो एंड पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट क्वेश्चन का क्या है, आमदनी, तो आमदनी हमारी कितनी थी, तो वहाँ लिखेंगे हम 1,000 रुपये, और एंड पॉइंट मतलब बचत, बचत क्या है, ठीक है, शेष इतना है, तो वो हमारी कितनी थी, 729, तो यहाँ लिखेंगे हम 729। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसे मूव करता हूँ ताकि आपको चीज़ें बेहतर समझ में आए। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन की आमदनी को हमको पता करना है कि वो आदमी कितना कमाता था, तो उसको क्या लिखेंगे हम, एक्स, और हमारी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, उसकी बचत कितनी दी है, 729,000, तो यहाँ लिखेंगे 729,000, और इसके अपॉन में इसको और इसके अपॉन में इसको करके बीच में लगा देंगे, बराबर क्या कर देंगे। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको सीखना है इस लेक्चर में, हमारी वैल्यू और क्वेश्चन की वैल्यू का हर बार कंपैरिजन करेंगे, हमारे को स्टार्टिंग पॉइंट से मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट है, और एंड पॉइंट जो आखिरी में दिया है, तो आखिरी में दिया है 729,000 क्वेश्चन में, तो ये हमारी वैल्यू थी, ये क्वेश्चन की वैल्यू, तो हमारी 1,000 थी, तो 729 की बचत होती है, क्वेश्चन की एक्स रुपये आमदनी है, तो 729,000 की बचत होती है, ये अपॉन ये कर देंगे, 729 से 729 कट जाएगा, यहाँ जो दो जीरो बचे हैं वो इधर आ जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको इधर भेजेंगे, एक्स को इधर भेजेंगे, ये इधर चला जाएगा, तो एक्स बराबर 1000 इंटू ये वाले डबल जीरो मतलब 100, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, एक्स के आगे 50 आ जाएंगे, मतलब 1,00,000 रुपये, मतलब क्वेश्चन वाले व्यक्ति की आमदनी कितनी है, 1,00,000 रुपये है, जो मैंने यहाँ आपको सॉल्व करके बताया। आप मुझे बताइए ये चीज़ आपको समझ में आई है कि नहीं आई है, क्योंकि ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई है तो ही ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। तो आज के लेक्चर को मैं यहीं एंड करता हूं, और ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए मैं रखता हूं। कल का मेरा लेक्चर इसी क्वेश्चन से मैं शुरू करूंगा, इसी मेथड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक बार फिर से मैं आपको इस मेथड को कल समझाऊंगा, जब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, जो भी आज मैंने आपको सिखाया है उसकी कॉपी बना लीजिए। फिर से बोल रहा हूँ, परसेंटेज जो है वो बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, और प्रॉफिट लॉस सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का बेस है। अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, ट्रिक्स अच्छी लग रही हैं, कमेंट जरूर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे वीडियो को पहुँचाइए, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। थैंक यू।